बांग्लादेश की सेना में बड़ा फेरबदल हुआ है। सेना मेजर जनरल जियाउल एहसान को हटाया गया है। अब लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सैफुल आलम देखेंगे विदेश मंत्रालय। अब यह डेवलपमेंट हुआ है, लेफ्टिनेंट जनरल मिजाउर शमीम चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनेंगे और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद तबरेज शम्स चौधरी सेना के क्वार्टर मास्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। अब वहां पर भी सेना में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और बदलाव हो रहे हैं। मैं इसी पर एक बार आ रही हूं। अवधेश जी, जो बात अभी विवेक जी कह रहे थे, बहुत से मुद्दे हैं। एक एक बांग्लादेश की इस हिंसा ने और तख्ता पलटने न जाने कितने मुद्दों को जन्म दे दिया है। मैं पहले तो चाहूंगी कि जो बात वो कह रहे थे उस पर जरा आप कमेंट करें, क्योंकि महा शेख हसीना को आज हम भारत ने असाइलम दिया, वो कह रहे हैं बहुत गलत डिप्लोमेटिक मूव विवेक, और ये असाइलम नहीं है वैसे तो। विवेक श्रीवास्तव जो कुछ बोल रहे हैं उनसे यही अपेक्षा थी, क्योंकि शेख हसीना के खिलाफ जो पांच शक्तियां थी उसमें एक ग्लोबल लेफ्ट इकोसिस्टम भी था जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसकी यही मांग है। उनके खिलाफ कौन थी पहले ये देखना पड़ेगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो समर्थित, दूसरा पाकिस्तान के जो समर्थक जिनके बारे में अभी सुशील पंडित ने, जमात-ए-इस्लामी का इस्लामी छात्र शिविर, हिफाजत-ए-इस्लाम, बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये सारी शक्तियां पाकिस्तान। तीसरी शक्ति थी अमेरिका, जो शेख हसीना ने पिछले दिनों बयान दिया कि हमारे पास अमेरिका के एक बड़े व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि हमको यहाँ सैन्य अड्डा बनाने दीजिए और फिर हमारी आपके साथ समस्या नहीं रहेगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ईस्ट टिमोर जैसा एक एक बांग्लादेश और म्यांमार को काट करके एक ईसाई देश अमेरिका बनाना चाहते हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चौथा उनका दुश्मन था चीन, और पांचवा उनका दुश्मन हमारे सामने जो है वो आपके सामने वहां की सेना है, जिस सेना ने उनसे जबरदस्ती जो है साइन करवाया, वो भी उसी का पार्ट है। सुनिए जरा ध्यान से सुनिए, भारत के लिए भारत सरकार ने इस समय कितनी परिपक्वता से किया है, क्या होना चाहिए। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने छोटा सा बयान दिया है संसद में, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट, मुखर और कड़ा बयान है। उसका पहला अंश यह है कि भारत वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर, हिंदू स्थलों पर हो रहे हमलों को लेकर चिंतित है, उनको रोकना चाहता है, हम इसके लिए अथॉरिटी के साथ संपर्क में है। इसका सीधा अर्थ है कि अगर आपने नहीं रोका तो यह हमारी जिम्मेवारी होगी। दूसरा कि भारत दूसरा कहा है कि ये आंदोलन केवल शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए था, क्योंकि आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 7% आ गया था, इस आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं थी। यानी भारत बिना घोषित किए हुए इस आंदोलन को, सत्ता पलट को वैध नहीं मानता है, यह घोषित नहीं हुआ है। तीसरा उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध हैं, उसकी उसके उसके उस संबंध को हम के प्रति हम गंभीर हैं। और चौथा उन्होंने केवल इतना कहा है कि शेख हसीना ने हमसे कुछ समय यहाँ रुकने के लिए बात सहायता मांगने, इसका अर्थ है नहीं नहीं अवधेश जी, मैं आ रही हूँ बहुत सारे मेहमान कर रहे हैं। शेख हसीना के बारे में उन्होंने नहीं कहा है कि दूसरे देश से शरण मांगेंगी और यहाँ से चली जाएंगी, यानी शेख हसीना अवामी उन्होंने क्लियरली कल ही बता दिया गया था कि उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम नहीं मांगा है, वो यहाँ पर है लेकिन वो किस देश जा रही है इसको लेकर उनकी रणनीति नहीं तैयार हुई है। हालांकि सुबह ये खबर आई थी किसी देश में जाएंगे सुचरिता, आप लोग भी एक ग्लोबल लेफ्ट सिस्टर जो ये अच्छा जो, आप कह रहे हैं भारत में ही रहे, बिल्कुल भारत में रहेंगी और भारत में ही रहना चाहिए। इस समय भी बांग्लादेश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति आवामी लीग है। ये देखिए बड़ा पॉइंट है, मैं इस पर जरा बात करूंगी। क्या हम पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के साजिश को, एक बार बड़ी खबर बताइए, बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद भी गिरफ्तार हो गए, की कोशिश में गिरफ्तारी हुई है और ढाका एयरपोर्ट से बांग्लादेश आर्मी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। शेख हसीना सरकार में विदेश मंत्री थे हसन महमूद, अब उनको भी गिरफ्तार किया गया है। अब यह बड़ा क्लियर है कि शेख हसीना के साथ अगर शेख हसीना को हटाने की यह कोशिश थी तो उसके चलते उनकी पार्टी के किसी और चेहरे को आगे किया जा सकता था। यह भी बड़ा क्लियर है कि शेख हसीना को हटने के लिए कहा जाता उस समय मिलिट्री एक अंतरिम सरकार बनाने की बात करती, लेकिन उन्हें देश से भगा
जाने को कहना, देश छोड़कर भागिए और देश छोड़कर जाइए और उसके बाद यहां पर सरकार बनेगी। अब वो सरकार क्या कठपुतली सरकार होगी, इस पर भी चर्चाएं हो रही हैं। एक बार जरा मैं बता देती हूं कि बांग्लादेश में आगे क्या क्या हो सकता है, जिसके बाद इस चर्चा को मैं जरा आगे बढ़ाऊंगी। क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त शेख हसीना के चले जाने के बाद अब क्या क्या हो सकता है, उस पर एक नजर डालिए। बांग्लादेश में कट्टरपंथी हावी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां लोकतंत्र का अंत और एक तरह से तानाशाही शुरू होगी, वो तो तस्वीरों में साफ नजर आता है। पाकिस्तान का दखल क्या और बढ़ेगा, अभी भी लोग कह रहे हैं कि जो बीएनपी है और जमाते इस्लामी पाकिस्तान के इशारे पर वहां काम कर रही है। दक्षिण एशिया में क्या चीन हावी होगा, सवाल ये भी है कि क्या हिंदुओं पर अत्याचार और बढ़ेंगे। वहां के इस्कॉन के टेम्पल हेड ने कहा कि यहां जैसे ही सरकारें बदलती हैं हिंदुओं का नरसंहार होता है, और साथ ही ये भी कि बॉर्डर पर घुसपैठ क्या बढ़ सकती है। अब सवाल ये बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक बार जरा कर्नल नैन आपसे पूछ रही हूं, सबसे बड़ा इंपैक्ट इसका भारत पर पड़ता हुआ आप क्या देखते हैं, सबसे बड़ा इंपैक्ट? देखिए, सबसे बड़ा इंपैक्ट इसका यह होगा कि पहली बात तो मैं आपको बता दूं, $13 बिलियन का सुचारिता हमारा इनके साथ में ट्रेड है, $8 बिलियन हमारे इन्वेस्ट हो रखे हैं। कितने रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर हम उसमें बना रहे हैं, अभी अपना ये चिकन नेक से बचने के लिए एक रास्ता जो हम बना रहे थे। तीसरा, जो नक्सलाइट्स हैं, जो पूर्वोत्तर राज्य जो हमारे हैं, जैसे मिजोरम हुआ है, उधर से जो कुछ हादसे करके बांग्लादेश भाग जाते थे, शेख हसीना ने उसके अंदर हमारी बहुत मदद की, उस मिनेंस को खत्म किया। इसके अलावा जो हमारा इस इलाके के अंदर अमेरिका, जैसे कि आप बता रहे थे, सेंट माउंट इसमें आइलैंड्स के अंदर आकर के अपना अपना एक बेस बनाना चाह रहा था, उसको उसने मना किया। चीन का इधर इंटरफेरेंस उसने बंद कर रखा था। तिस्ता रिवर का जो प्रोजेक्ट था $1 बिलियन का, चीन को ना देकर उसने हमको दिया और पाकिस्तान की जड़ें वहां पे मजबूत होने से रोकी, जो कि अब मजबूत हो रही है। देखिए, आपने अभी खबर दी है कि जनरल जियाउल हसन को हटा दिया गया। कौन है जनरल जियाउल हसन? ये वही है जिसने नूर हुसैन कलकत्ता के अंदर 7 मर्डर्स हुए थे, उसको पकड़ के भारत को दिया था। ये वही इंसान है जिसने जमाते उल जो एक और ऑर्गेनाइजेशन है इनकी बांग्लादेश की, उसको उस खत्म करने में इसने कामयाब हुआ। ये आदमी, ये सब कट्टरपंथियों के पीछे पड़ने वाला जनरल था, और आज जनरल वकार और भाई साहब ने इसको क्यों हटा दिया? इसका मतलब जो चीफ है आर्मी का, वो आज इन कट्टरपंथियों के साथ चल रहा है। तो दो स्टूडेंट्स आप बात कर रहे हैं कि हमारे हिसाब से वह गवर्नमेंट बननी चाहिए, वो स्टूडेंट्स और कोई नहीं सुचारिता, वो स्टूडेंट्स हैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का स्टूडेंट विंग, वो खालिद जिया के लोग हैं वो लोग। ये जितनी भी आवाजें उठ रही हैं कि जितना भी वहां पे माहौल बनाया जा रहा है कि सबका सब खालिद जिया को छोड़ दिया गया, सब कुछ ISI के इशारे पे हो रहा है, और चीन जो है उसका मजा ले रहा है बैठ करके। तो हमारे लिए आने वाले टाइम पे अगर हम लोग एक होकर के इस बारे में नहीं सोचेंगे और भारत के हित के बारे में नहीं सोचेंगे, डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं अपने देश को नुकसान कर बैठेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कर्नल नैन, मैंने शुरुआत इसी से की है कि अगर भारत के हित के बारे में नहीं सोचेंगे तो बहुत बड़ा एक डिजास्टर होने की ओर होता है। और ये हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि भारत के हित में सोचना है, राष्ट्रवाद के बारे में सोचना है।